ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। जनजातीय अस्मिता के नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। सैकड़ों जनजाति क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलवाई, साथ ही देश संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जनजातीय समाज हमेशा से आगे रहा है। ऐसे में जनजातीय समाज की भावनाओं का आदर करते हुए बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार का यह निर्णय बहुत ही सार्थक और संपूर्ण जनजातीय समाज के लिए गौरवान्वित करने वाला है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और आजादी का अमृत उत्सव मनाने का फैसला जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। पूरे साल कार्यक्रम चलने थे, उनमें देश भर में जितनी जनजातियां हैं उनके जो नेता हैं, आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान रहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में न इतिहास कुछ ज्यादा कहता है न इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारियां हैं। वो जिस इलाकों के नेता थे उन इलाकों के बाहर भी लोग नहीं जानते, न इतिहास उन्हें पूछता है, न देश उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उन देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए एक आजादी का अमृतोत्सव के तहत जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया गया था और उस फैसले के तहत पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा, जो झारखंड में भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, उनके जन्म दिवस को जनजातीय दिवस के रूप में हर साल मनाने का फैसला हुआ है। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि देश को आगे बढ़ाने में, देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान है, जिन जनजातियों का योगदान है, उनको अब सरकार और देश के आम नागरिक अब उनकी पूजा करेंगे। वो किसी सिर्फ इलाके के नेता भर बन के नहीं रह पाए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, हर समय उनका जिक्र करते हैं। कई अवसरों पर उन्होंने कहा भी है कि बापू के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। महात्मा गांधी की ये सोच थी कि समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे, हर वर्ग को आगे आकर देश की उन्नति और तरक्की में योगदान देना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ये जो सोच है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, कि उनके किस सपने को साकार होता देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को सबसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कतार में खड़े व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने इसीलिए जो देश की अनुसूचित जनजातियां हैं, जो देश भर में फैली हुई हैं, उन जनजातियों के आइकॉन्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनीति के तहत, वो इसलिए कि इन लोगों का महत्व क्या रहा है देश को आगे बढ़ाने में और देश की आजादी की लड़ाई में, ये देश की जनता को बताना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 15 नवंबर प्रधानमंत्री खुद सुबह सुबह संसद भवन जाकर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को माला भी पहनाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके साथ बिरसा मुंडा को झारखंड रांची में जिस जेल में जहां उनकी शहादत हुई थी, वहां का जीर्णोद्धार करके एक म्यूजियम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन भोपाल भी जाएंगे जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों की एक बड़ी सभा संबोधित करेंगे, वहां के लोगों को ये संदेश देने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों का देश के आगे बढ़ाने में क्या योगदान है। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के ही शुरुआत का नतीजा है कि पूरी की पूरी सरकार अब देश भर में ऐसे कार्यक्रम करेगी आने वाले दिनों में, जो इन जनजातियों की कला को, इन जनजातियों की संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये बहुत बड़ा काम है प्रधानमंत्री का। आपने पद्मा अवार्ड में भी देखा होगा, जो लोग अब देश के किसी भी कोने में छुपकर आम जनता की सेवा में लगे रहते थे, अब उनको ढूंढकर कैसे निकालकर पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, वही अब देश की जनजाति के नेताओं के साथ होगा जिन्होंने देश की आजादी, खेलों में, संस्कृति में, कला में जो योगदान दिया है, उनको सामने लाएंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी की पूरी मोदी सरकार। 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहा था कि भारत सरकार देश भर में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का निर्माण कर रही है और इस दिशा में कार्य भी चल रहा है। अमिताभ जी, जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात होती है
कई ऐसे क्रांतिकारियों का जिक्र आता है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, पूरा भारत इनके बारे में विस्तार से जानता है। अगर नहीं भी जानता है तो इनके बारे में पठनीय सामग्री बहुत उपलब्ध है। लेकिन अगर हम जनजातीय क्रांतिकारियों की बात करें तो बहुत ही अल्प मात्रा में साहित्य से जुड़ी जानकारी है, वीडियो से जुड़ी जानकारी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन पर मिलती नहीं है। फिर जो आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, कैसे इसके बारे में जानेगी? क्या वो भी एक मकसद है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों को ये बताना कि कितना बड़ा योगदान है इन जनजातियों का, चाहे मणिपुर की रानी गुडानलियो हो या फिर मध्य प्रदेश में जो जनजातीय गौरव के प्रतीक चिन्ह रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं आदि महोत्सव की शुरुआत करने, वो लोग रहे हो, चाहे तिलका मांझी रहे हो, चाहे बूंद महारानी दुर्गावती रही हो, मध्य प्रदेश भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है, जो कि गोंड की एक बहुत बड़ी महारानी थी, जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है जनजातियों के उत्थान में, स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है उनको पहचान देने की और ये बताने की देश की जनता को कि राष्ट्र की और देश की मुख्य धारा से भले ही वो अलग रहे हों, लेकिन उसका राष्ट्र की मुख्य धारा में को आगे बढ़ाने में, देश की स्वतंत्रता में, देश की संस्कृति को बचाए रखने में, जनजातीय संस्कृति को बचाए रखने में इन सबका कितना बड़ा रोल रहा है, इन तमाम लोगों से ये पता चलता है। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि कम से कम सरकार ने 85 आदिवासी आंदोलनों की जो आजादी के पहले हुए थे, जो स्वतंत्रता संग्राम से जिनको जोड़ा जा सकता है, इनकी पहचान की है और कम से कम 200 से ज्यादा उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की है जो कई राज्यों में जिनका योगदान काफी रहा है और जिनके लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री के 15 नवंबर के बाद अगर एक हफ्ते पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन है तो मैं आपको बता दूं 21 राज्यों में कम से कम 37 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं जो कि इन जनजातियों को आगे बढ़ाने का, इनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहचान देने के लिए सरकार क्या कर रही है और ये लोग खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं अब राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में, ये तमाम चीजों को बताने का काम करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगी और इन जनजातियों को भी मुख्य धारा में शामिल करने में बड़ी मदद करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की थी। वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं। सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए, उनके चहुमुखी प्रगति के लिए और वो देश की मुख्य धारा से जुड़े, वो अलग थलग न पड़े, समाज उनको अलग नजरिए से न देखे, इसके लिए सालों भर कार्य करता है, थोड़ा उसके बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी पहल है, जनजातीय मंत्रालय जो है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, और अर्जुन मुंडा इसके अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, रांची झारखंड से आते हैं, जमशेदपुर के हैं, तो एक जन नेता है वो और पूरे रांची में छाप छोड़ी है, मुख्यमंत्री रहे हुए झारखंड में, तो एक आदिवासी नेता का ये आगे बढ़ना ये भी दिखाता है। अर्जुन मुंडा ने खुद भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये देश के जनजातीय समाज के लिए सम्मान का विषय है। एक आदिवासी नेता जो कि मुख्यमंत्री रह चुका है, जो जन नेता है, जिसे समाज ने स्वीकारा है, अब वो भी प्रधानमंत्री के इस पहल का गौरवगान कर रहा है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल है। और जहां तक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सवाल है, ट्राइफेड चलाती है, ट्राइबल फेडरेशन जिसे कहते हैं, और ये पूरे देश में जितने भी ट्राइबल्स इनकी चीजों को, इनके बनाए, इनके हस्तगर्घा चीजों को, इनके हाथ से बनाई चीजों को, इनकी कलाकृतियों को, इनकी मार्केटिंग का काम करता है ट्राइफेड। इन लोगों को सरकारी नौकरियों में लाना, इनके लिए कोचिंग ऑर्गेनाइज करना, सरकारी परीक्षाओं के लिए इनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, ट्राइबल लड़कों को फेलोशिप देना, उनके लिए विद्यालय स्थापित करना, उनके लिए रिमोट एरियाज में विद्यालय स्थापित करना, कॉलेज स्थापित करना, तो ये तमाम चीजें हैं जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ट्राइबल वेलफेयर के लिए देख रही है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और मुझे लगता है कि एक नौछायर जिसे कहते हैं, एक और ऊंचाइयों तक ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का। बिरसा मुंडा की बात करें, जिनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड में उलगुरान आंदोलन की बात हो या फिर वो खुद कहते थे कि भगवान ने उन्हें भेजा है लोगों के कल्याण के लिए, धरती आबा भी उनको कहा गया, यानी जगत के पिता,
उनके योगदान को कैसे देखते हैं भारतीय इतिहास में आप? बहुत बड़ा योगदान है, एक युवा आदिवासी, मुझे लगता है 1875 में उनका जन्म हुआ, 1908 में एक जेल में उनकी मृत्यु हो गई, तो कुल मिला के 32 साल की आयु में जो जनजाति समुदाय से आने वाला व्यक्ति, मुंडा परिवार से आने वाला व्यक्ति एक भगवान के रूप में पूरे इलाके में पूजा जाने लगा, ये इतनी अल्प आयु में जिसने शहादत दे दी जेल में, उसका योगदान कितना बड़ा होगा इसको कोई देश भुला नहीं सकता। इतिहास के पन्नों में भली छोटे छोटे पैराग्राफ में अगर आधुनिक भारत का स्वतंत्र संग्राम का इतिहास लिखने वालों ने एक छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, तो मुझे लगता है उस इतिहास को बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर रही है, शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, और मुझे लगता है जब इतिहास नए सिरे से अगर देखा जाने लगेगा, जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, तो मुझे लगता है बिरसा मुंडा के योगदान को भुलाना आने वाली पीढ़ियों के लिए असंभव होगा। बिरसा मुंडा रांची की जेल में रहे 13, और मैं आपको बता दूं उस पूरे बिरसा मुंडा जेल का पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर दिया गया है, और वहां एक म्यूजियम बनाया गया है जो कि उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने पहले क्रिश्चियनिटी को छोड़ा, फिर कहा कि मुंडा राजा बनेगा आपका, कैसे आपको मनी लेंडर्स को भगाना है, कैसे आपको अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, कैसे अंग्रेज के जो अधिकारी हैं उनको भगाना है। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन 1899-1900 में शुरू हुआ था, जिसका पूरा का पूरा श्रेय बिरसा मुंडा को जाता है, और मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई और जनजातीय समाज को एक पहचान देने का काम जो बिरसा मुंडा ने किया था, जिसे इतिहासकार उलगुलन कहते हैं, द ग्रेट टमुल्ट, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को वो वैसा ही याद रहेगा। जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर जो महानगरों में रहते हैं, जब आदिवासी का जिक्र होता है या जनजातीय लोगों का जिक्र होता है, तो बहुत सारे लोग उनसे परिचित नहीं हैं। जब पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का संकट छाया हुआ है, इस पर दुनिया भर में बैठकें हो रही हैं, शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, वहां एक बार फिर आदिवासी और जनजातीय लोगों की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रकृति संरक्षण और संस्कृति के रक्षक भी माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दौर एक ऐसा दौर है जहां जनजातीय लोगों की जो जीवन शैली है या फिर जो उनके उद्देश्य हैं, उससे बड़े बड़े शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों को सीखना पड़ेगा? देखिए, भारत एक ऐसी रेजिलियंट और ऐसी क्षमतावान भारत में समाज है, और जहाँ ग्रामीण समाज भी ऐसा है, जहाँ आप देखा होगा घरों को गोबर से लीपा जाता है, जहाँ बीमारियां भटकती नहीं है, अगर कोई बीमार है तो उसको गांव में आम लोगों के साथ दूर हटाकर झोपड़ी में रखा जाता है, अगर कोई सीरियस टाइप से महामारी से पीड़ित आदमी होता है। ट्राइबल इलाकों में भी मुझे लगता है कि अगर पेड़ों को भगवान की तरह पूजा जाता है, युवाओं को यूथ डॉर्मेट्रीज में रहने की शिक्षा दी जाती है, झारखंड में ट्राइबल डॉर्मेट्रीज की काफी बड़ी शिक्षा है, तो पूरा का पूरा जहां महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जब महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाता है जिन ट्राइबल समाजों में, जनजातीय समाजों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे किसी भी इलाके में हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शिक्षा कैसे मानव प्रकृति के साथ मिलकर सुचारू रूप से रह रहा है, कैसे संरक्षण कर रहा है अपने चारों तरफ के पर्यावरण का, और ये बहुत बड़ी सीख है जो भारत के इन जनजातीय समाज से ही मिलती है, भारत के ग्रामीण समाज से ही मिलती है, और ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि कैसे जो विश्व में पर्यावरण के बदलने को लेकर चिंता बढ़ी हुई है, उसको भारत का यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, एक तरफ अगर आदिवासी और जनजातीय समुदाय की बात करें, उनका शाब्दिक अर्थ ही है आदिवासी का मूल निवासी, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक महसूस होती है अमिताभ जी आपको, कि अब भी शिक्षा के स्तर पर बात करें तो उतना टर्न अराउंड नहीं दिखता है आदिवासी या जनजातीय समुदाय में, इस दिशा में थोड़ा और कार्य करने की जरूरत है? देखिए, 70 साल हो गए आजादी को, और तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा न शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, न उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। कम से कम बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की जो ये पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शुरुआत तो की थी जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाकर, तो अब उसमें जो काम बढ़ा है, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन ट्राइबल बच्चों को रखने की सुविधा, इन लोगों को स्पोर्ट्स की सुविधा, इनको जैसे खेलकूद की सुविधा दी जाने की कोशिश हो रही है, जो तीरंदाज है उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है, इनकी कलाकृतियों को, इनके द्वारा बनाए गए इनकी संस्कृति की, इनकी जिस तरह से प्रमोट करके लोगों को सामने लाया जा रहा है, हाथ के बनाए हुई साड़ियां, हाथ के बनाए हुए कपड़े, अब हैंड वुमेन जो सिल्क इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे झारखंड के इलाके हो, जहां भी ट्राइबल आपको मिलेंगे, इन ट्राइबल आर्ट की कदर पूरे देश में हो रही है, उनकी मार्केटिंग का काम, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भी सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा और जिस खेलों में वो पारंगत हैं उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना, उनके बनाई हुई चीजों को उनकी चीजों की मार्केटिंग करके उसके मुख्य बाजार तक लाना, तो मुझे लगता है सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है उनको मुख्य धारा से जोड़ने की, उनको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने की, तो मुझे लगता है कि शिक्षा और कम्युनिकेशन जितना बढ़ेगा इन आदिवासी इलाकों में, जनजातीय इलाकों में, ये उतना
ही मुख्यधारा से जुड़ेंगे, जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है और एक बहुत बड़ी शुरुआत है इस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने की। अमिताभ जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in।